साइक्लोन चक्रवाती तूफान में आखिर मूसलाधार बारिश क्यों होती है? चक्रवाती तूफान क्यों आती है, इस पर ऑलरेडी फेमटेज ने एक शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन कर चुका है, आप नहीं देखे हो तो जरूर देखें। जब सन के लाइट समुद्र की सतह पर, समुद्र की जो जल होता है उस पर जाकर डायरेक्ट पड़ती है, तो वहाँ हीट के कारण एक लो प्रेशर रीजन तैयार हो जाता है। लो प्रेशर रीजन में आस पास की हवा अपने साथ मॉइस्चर लेकर भी आती है। जो लो प्रेशर रीजन की हवा होती है वो हीट के कारण गर्म होकर ऊपर आकाश में उठने लगती है और ऊपर जाकर छोटी छोटी ऑटो ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे बनने लगते हैं, जिसके कारण क्लाउड यानी कि बादल का फॉर्मेशन होता है। और हाँ, पानी की जो भाप होता है जब पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है तब वह हीट रिलीज करती है, इसी हीट को लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। यही हीट साइक्लोन के सेंटर को और भी गर्म करती है, जिससे हवा का दबाव और भी कम हो जाता है, जिससे आसपास चारों तरफ की और भी हवा इस लो प्रेशर रीजन में आने लगती है और यही प्रक्रिया लगातार चालू रहती है, जिसके कारण ऊपर बादल बनते रहते हैं और यह बादल जो होते हैं साइक्लोन के बहाव के कारण अलग अलग एरिया में जाकर फैल जाते हैं, जिसके कारण ये बादल से बारिश, जिस जिस एरिया में ये बादल चले जाते हैं उस एरिया में बरसात होने लगती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक रखते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।